हेलो, वेलकम टू माय चैनल मसाला कल्चर। आज हम देखने वाले हैं छोले मसाला की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो आप प्लीज़ एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गैस को कर दिया है ऑन और ली है एक कढ़ाई। मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। 2 चम्मच तेल डालने के बाद तेल को थोड़ी देर गर्म होने देना है और उसमें अब मैं डालूंगी साबुत मसाले। यहाँ मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च। ये जो साबुत मसाले हैं इनको अच्छे तरीके से भून लेना है तेल में। तेल अब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इनको चलाते रहना है, भूनते ही रहना है जब तक ये कलर चेंज ना कर दे और अच्छी सी खुशबू ना आए। यहाँ पे मसाला भुनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहा है मसालों का। तो अब हम क्या डालेंगे इसमें, जीरा। 1 चम्मच जीरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तुरंत ही मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच हींग का। तेल गर्म है तो ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तुरंत ही आप जैसे इसमें इसको डालोगे और मिक्स कर लोगे। तो ये जो है ये जलने से पहले अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको बारीक कट कर लिया था। आप चाहिए तो एक बड़ा प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को भूनना है, पहले मिक्स करना है अच्छे से और फिर इनको चलाना है। प्याज को भूनने के लिए देर लगती है तो 5 मिनट में ये भून जाएगा। इसके बाद इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो प्याज ऐसे हो जाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी का। हल्दी को हम अच्छे से प्याज में भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको 1 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं अब इसमें डालूंगी 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, अगर आपको पसंद है तो 1 से भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इसके बाद अब मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का। अदरक लहसुन पेस्ट से मसालों को बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसको स्किप ना करें। अदरक लहसुन पेस्ट को भूनना है थोड़ी देर के लिए और ये जलने से पहले हम इसमें तुरंत से ही टमेटो की पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे ताकि वो जल ना जाए। अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो तुरंत जलना शुरू हो जाता है तो इसलिए मैं अब इसमें डालूंगी टमाटर की पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 छोटे टमाटर लिए थे, उनको सीधा मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहिए तो बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं और मैंने बिना पानी का पीसा था। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो इसको मसाले को जो है वो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक कि इसके साइड से तेल ना निकले। तो 5 मिनट बाद देखिए अभी साइड से तेल निकल चुका है, मसाला पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चम्मच लिया है, आप टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं मसाले जो है वो अलग अलग ही डाल देती हूँ, एक साथ नहीं डालती ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। तो इसके बाद मैंने लिया है धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर भी बहुत अच्छा स्वाद देता है ग्रेवी को, तो आप कोई भी ग्रेवी हो उसमें 1/2 चम्मच ही क्यों ना हो धनिया जीरा पाउडर ज़रूर डालें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच छोले मसाला। ये छोले मसाला आपको मार्केट में कोई भी अवेलेबल होगा वो ले सकते हैं, मैंने वही लिया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। अगर आप घर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सूखे मसाले। अब इसको हम अच्छे से भून लेने के बाद डालेंगे पानी पकने के लिए। तो यहाँ पे पानी जो है मैंने वो छोले उबालने के बाद जो पानी बच गया था वो मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच पानी लिया था। ये पानी आप ना फेंके, इसमें बहुत स्वाद होता है और इससे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी भी बन जाती है। तो आप यही पानी इस्तेमाल करें, वो फेंके ना। तो ये पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड से तेल छूटने तक पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए और इसको रख देंगे। तो ये देखिए अब तेल निकल चुका है और जो ग्रेवी जो है वो पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे छोले। यहाँ पे मैंने 1 कप छोले लिया था, रात को भिगोया था मैंने और 8 सीटी होने तक कुकर में पका लिया था। तो इस छोले को जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी में। छोले को अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स करना है।
और मिक्स होते साथ अब इसमें डालेंगे नमक। नमक जो है वो मैं आखिर में डालती हूँ, क्योंकि क्या है कि हम थोड़ा अगर ग्रेवी में डालेंगे, थोड़ा छोले मसाले डालने के बाद डालेंगे तो वो अच्छा बैलेंस नहीं होता, तो मैं एक साथ ही सब कुछ होने के बाद मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो नमक को डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बचा हुआ जो पानी था ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इतना ही पानी मुझे लगने वाला है, अगर आपको ज़्यादा लगे, अगर छोलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप अलग सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पानी आपके पास रहा तो ये भी पानी आप यूज़ कर लें। तो इस पानी को डालने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे पकने के लिए। मीडियम गैस पे ही रखना है। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं जो है ये साबुत मसाले निकाल रही हूँ, क्योंकि वो मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। जो जितने भी आपको ऊपर दिखे साबुत मसाले हो सकते हैं उतने निकाल दीजिए। इसका काम हो चुका है, इसका जो स्वाद है, जो फ्लेवर जो है वो इस ग्रेवी में आ चुका है, तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर साबुत मसाले निकाल दिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए ग्रेवी जो है हमारी बहुत पतली है, एकदम पानी जैसी। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, कॉर्नफ्लावर जो है वो डालूँगी। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसकी पेस्ट बना ली। ये पेस्ट डालने से ही आपकी ग्रेवी जो है वो एकदम थिक बनती है, जैसे होटल में मिलता है ना छोले, वैसे हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया। अब देखोगे कि आप तुरंत ही ये जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये थिक हो चुकी है, एकदम गाढ़ी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, कसूरी मेथी लेनी है और उसको हाथ से ऐसे क्रश करके डालना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी ली थी और ये लिया मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला है जो आप सबसे आखिर में डालें, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, अब इसको पकाना नहीं है क्योंकि फिर वो गाढ़ा होता चला जाएगा। तो देखिए हमारा छोले जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद, इसको ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं रखना है और हम कर देंगे अब इसको सर्व। तो हमारा बढ़िया सा छोले मसाला रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।